सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आए रुक करते हैं 100 बड़ी खबरों की। वेबिनार में बोले पीएम मोदी, ग्लासगो में हमने 2070 नेट जीरो के स्तर पर पहुंचने का किया वादा। कर्नाटक के बौद्ध मठों में पहुंचे लद्दाख के सांसद, धार्मिक शिक्षा रहे लद्दाख के विपक्षों से मिले। हरियाणा में ट्रिपल पी बनेगा हर मर्ज का दवा, सीएम मनोहर लाल और ओपी धनखड़ खुद कर रहे निगरानी। बिहार में लालू यादव ने राजद के दो बड़े नेताओं को पार्टी से निकाला, 6 साल के लिए दिखाया बाहर का रास्ता। बिहार में शराब माफियाओं पर चलेगी मनी लॉन्ड्रिंग का केस, मार्च में 3 गुना अधिक गिरफ्तारी टास्क। देश में तीसरी लहर के दौरान वैक्सीन से बची लोगों की जान, व्यापक टीकाकरण के चलते भारत दुनिया की तुलना में कम रहा प्रभावी, चौथी लहर की आशंकाएं खारिज। यूक्रेन को चेतावनी की तरह देख रहे हैं क्वाड नेता, हिंद प्रशांत जापान में नहीं होने देंगे, ऐसे हालात जताई प्रतिबद्धता। विदेश मामलों की परामर्श समिति में बोले राहुल गांधी, यूक्रेन के बहाने चीन की नजर भारत पर। पेसो चीन में फंसे 1000 भारतीय छात्र, भारत यूक्रेन और रूस के संपर्क में, लगातार गोलाबारी से निकलने में परेशानी। भारत ने रूस का दावा किया खारिज, कहा छात्रों की निकासी मिल रहा है यूक्रेन का पूरा सहयोग। यूक्रेन में भारतीयों की जल्द निकासी के लिए ऑपरेशन गंगा में तेजी लाने का फैसला, मिशन में 70 फ्लाइट और 24 मंत्री होंगे शामिल। कई देशों में तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण, भारत में 50% सक्रिय केस, केरल महाराष्ट्र और मिजोरम में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया ये बयान। विश्व वन्य जीवन दिवस पर एमएमटीसी पीएमपी ने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडियन के साथ वन्य जीवनों के प्रति फैलाई जागरूकता, चांदी के सिक्कों को किया लॉन्च। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीसीसी के अंतरिम रिपो को लागू नहीं करने का दिया आदेश। दिल्ली लाखों मेट्रो यात्रियों का सफर जल्द होगा आसान, घर तक पहुंचाएंगे इलेक्ट्रिक मेट्रो बसें। बस्ती में तेज रफ्तार ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मारी, चुनाव ड्यूटी से लौट रहे थे सीआरपीएफ जवानों की मौत। सपा गठबंधन के प्रत्याशी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ मऊ में केस दर्ज, भड़काऊ भाषण का मामला। वरुण गांधी ने फिर दिया पार्टी को असहज करने का बयान, इस बार युवाओं के सहारे साधा केंद्र सरकार पर निशाना। सांसद संगमित्रा मौर्य के खिलाफ बदायूं में एकजुट हो रहे भाजपा नेता, मतगणना के बाद लिया जा सकता है बड़ा फैसला। ग्रेटर नोएडा में प्रधान के हस्ताक्षर
कर सफाई कर्मी कर रहा था फर्जीवाड़ा, डीएम ने दिए जांच के आदेश। अमेठी में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, सपा बूथ एजेंट की इलाज के दौरान मौत। प्रयागराज में नवाबगंज हाईवे से नीचे गिरा ट्रक, राजस्थान के दो लोगों की मौत, एक गंभीर। पीएम मोदी ने कहा हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई कर बन सकेंगे डॉक्टर, मेडिकल कॉलेजों की फीस भी होगी आधी। बाराबंकी में युवक ने की सौतेले मां की गला दबाकर हत्या, अंतिम संस्कार से पहले खुल गई पोल। लखनऊ विश्वविद्यालय का बड़ा एक्शन, मारपीट के आरोप में 8 छात्र निलंबित, चीफ प्रॉक्टर ने की कार्रवाई। देवरिया जिले की कुष्ठ मुक्त बनाने के लिए अभियान जारी, 6 माह में खोजे गए 92 रोगी। मेरठ में घर में घुसा तेंदुआ जाल तोड़कर सड़क पर भीड़ के बीच भागा, टीम ने प्लांट में की घेराबंदी। मेरठ में शॉपरिक्स की पाइपलाइन फटी, माल होटल में ब्लैकआउट, लोगों में मचा हड़कंप। एयर इंडिया के कबाड़ का कर्ज उतारेंगी टाटा, आगरा एयरपोर्ट पर तैयार हो रहा है हिसाब। आगरा में अवैध संबंधों में युवक की हत्या, पेड़ से लटका मिला शव। अररिया में वित्त विहीन शिक्षकों के साथ हुई बैठक, छात्राओं ने शिक्षकों का किया स्वागत। गाजीपुर में सीएम योगी ने गाजीपुर में की चुनावी जनसभा, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थिति में छात्रा की हुई मौत, परिजनों ने बलात्कार का लगाया आरोप। सीतापुर में पेड़ से लटका मिला था युवक का शव, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। सीतापुर में ससुरालियों ने युवक को जमकर पीटा, पत्नी के साथ समझौता करने गया था युवक। फर्रुखाबाद में जहरीली शराब ने बरपाया कहर, जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की हुई मौत, सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक व डीएम पहुंचे। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थिति में मिला महिला का शव, फंदे से लटकता मिला महिला का शव, काफी दिनों से बीमार थी महिला। औरैया में अध्यापक ने बच्चों को बेरहमी से पीटा, अध्यापक के खिलाफ शिकायत दर्ज। औरैया में जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग को लेकर बनाई रणनीति, पहरेदारों की निगरानी में ईवीएम। बिजनौर में जला शव मिलने से मची सनसनी, हत्या करके जलाया गया युवक का शव। संभल
संभल में रेलवे क्रॉसिंग पर कटा मिला युवक का शव, मोबाइल चार्जर हुआ बरामद। आगरा में सामान्य से अधिक हुआ तापमान, बदल सकता है मौसम का मिजाज। जेल में बंदियों ने फैलाए करोड़ का कारोबार, वेस्ट यूपी में हर अदालत में इस्तेमाल हो रहा है आगरा में बना माल। मथुरा में हुरियारों पर हुरियारीन तो उपद्रवियों पर पुलिस का चलेगा लट। आईआईटी कानपुर का एसआरएस बनाएगा स्मार्ट मिसाइल और गोले, दुनिया को चुनिंदा देशों के पास है ये तकनीक। भाजपुर में यूक्रेन से वापस लौटे छात्र ने सुनाई आप बीती। चमोली में चिकित्सकों के इस्तीफे से बिगड़े स्वास्थ्य व्यवस्था, 44 चिकित्सकों के पद खाली। चमोली में जंगली जानवरों का दिखा आतंक, फसलों की बर्बादी से ग्रामीण परेशान। चमोली में मतगणना ग्रामीकों का पहला रेंडमाइजेशन, जिला निर्वाचन अधिकारी रहे मौजूद। चमोली में भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन, मंदिर में उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़। देहरादून में ध्वस्त हुई कानून व्यवस्था, छात्रा की गोली मारकर हत्या। देहरादून में एडीएम के मिश्रा ने छात्रों का किया स्वागत, यूक्रेन से वापस लौटे छात्र। विकासनगर में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही आई सामने, मानकों की अनदेखी करके बनाई गई सड़क। नैनीताल में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, सीने में लगी है 3 गोली, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। यूपी की जेल संभालेगी कोटद्वार की बेटी अदिति, बतौर जेल अधीक्षक ली पद और गोपनीयता की शपथ। लद्दाख के विश्वविद्यालय के कैंपस में खुलेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, करेगा ग्लेशियर नदियों का अध्ययन। रुद्रप्रयाग में हादसा, चिरबटिया में मिट्टी खदान, ऊपरी हिस्सा टूटने से 3 महिलाएं दबी, प्रशासन ने निकाले शव। हरीश रावत ने लालकुआ सीट पर पोस्टल बैलेट को लेकर उठाए सवाल, भाजपा ने कहा नतीजे से पहले ही कांग्रेस हताश। उत्तराखंड में जनसुनवाई में व्यक्तिगत आरोपों पर उपभोक्ता और यूपीसीएल एमडी में हुई बहस। उत्तराखंड में राहत, एससीएसटी संग्रहण में 38% का उछाल, कोविड महामारी से हुए आर्थिक झटके से उभर रहा कारोबार। क्यू में एक और भारतीय छात्र को लगी गोली, इलाज के लिए लौटना पड़ा वापस।
भारत पर कर्जा लगाने या माफ करने पर विचार कर रही बाइडेन सरकार, यूएस डिप्लोमैट का बयान। श्रीलंका में सिर्फ 4 दिनों का बचा ईंधन, रोजाना हो रहा 7 घंटे से ज्यादा का पावर कट। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला, गोली लगने के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट धू धू कर जला। परमाणु प्लांट की घटना पर बोरिस जॉनसन ने की जेलेंस्की से बात, बोले यूएन की आपात बैठक की करेंगे मांग। नदी परियोजनाओं के अतिरिक्त सूचनाएं पाकिस्तान से साझा करेगा भारत, सिंधु जल आयोग की बैठक में बनी सहमति। अमेरिका ने जताई उम्मीद, रूस और यूक्रेन के बीच जल्द होगी तीसरे दौर की बातचीत, पुतिन अपनी सेना को बुला लेंगे वापस। हमले से थर्राया यूक्रेन, फिर भी कम नहीं हो रहा मुकाबले का जज्बा, कीव की घेराबंदी और खारकीव में 34 मौतें। अमेरिका ने यूक्रेन को दी स्टिंग मिसाइलें, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की भी होगी आपूर्ति, जर्मनी और नीदरलैंड भी देंगे हथियार। दो दिनों में 7,400 भारतीयों को वापस लाया जाएगा, वायुसेना के C-70 ग्लोब मास्टर से लौटे 630 स्टूडेंट। रूबल में खरीदारी कर पाएगा भारत, रूस से एक्सपोर्ट की नहीं होगी दिक्कत। रिटायर कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, चुटकियों में निपटेगी पेंशन से जुड़ी दिक्कत। लगातार बढ़ रहे सोने के दाम, 14 महीनों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा गोल्ड। सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला, सड़क हादसे में मुआवजे के लिए नहीं होगा इंतजार। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स टूटा, निवेशकों को 5 लाख करोड़ का घाटा, एशियन पेट 6% और बारूती 5% गिरा। एवरेडी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया, 418 करोड़ रुपए के कर्ज में दबी थी कंपनी, अब बर्बन ग्रुप का होगा कंट्रोल। रूस से रूठी कई कंपनियां, यूक्रेन पर अटैक के बाद टेक, ऑटो, एनर्जी, एविएशन जैसे कई सेक्टर की कंपनियों ने बंद किया बिजनेस। गूगल ने कर्मचारियों को ऑफिस आने को कहा, वैक्सीनेटेड को मास्क लगाने की जरूरत नहीं होगी। यूट्यूबर्स ने जीडीपी में 68,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन, 6 अंकों में कर रहे कमाई। भारत में वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे रिलायंस और सनमीना, 18-18 साल की भारतीय विकेटकीपर का कमाल। छब्बीस गेंद में 50, जड़ रचा इतिहास। टीम इंडिया में श्रीलंका के सबसे बड़े दुश्मन की हुई वापसी, पूरी ही टीम को कर देगा तहस तहस।
रोहित की सेना को मिली टेस्ट क्रिकेट की नई दीवार, हनुमत विहारी पर बना पुजारा का रिप्लेसमेंट। कोहली के बाद रोहित ने भी कुलदीप यादव खिलाड़ी की बदली किस्मत, प्लेइंग 11 से कर दिया बाहर। श्रीलंकाई खेमे में डर का माहौल, पहली बार श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट खेल रहे जसप्रीत बुमराह। विराट कोहली सर्वे टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने, पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने की भविष्यवाणी। विराट को बीसीसीआई ने किया सम्मानित, सर्वे टेस्ट के मौके पर बीसीसीआई ने उन्हें एक स्पेशल टेस्ट कैंप की भेंट। बीसीसीआई के सालाना कॉन्ट्रैक्ट में कई फेरबदल, रहाड़े पुजारा और हार्दिक पांड्या का डिमोशन, विराट और रोहित को पहले की तरह ए प्लस ग्रेड में रखा गया। शाकिब अल हसन ने टी20 क्रिकेट में बनाया विश्व कीर्तिमान, शाहिद अफरीदी भी छूट गया पीछे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्श का निधन, अचानक मौत से मचा हड़कंप, शोक में क्रिकेट जगत। करिश्मा कपूर हुई कोरोना पॉजिटिव, करीना कपूर खान ने अनजाने में मीडिया को दी इस बात की जानकारी। टाइगर श्रॉफ की पूरी गलबात पर लगा धुन चुराने का आरोप, म्यूजिक कंपनी पर भड़के के पॉप के फैंस। सुष्मिता सेन का दावा, बॉलीवुड में नेटवर्किंग करने में असफल रहने के कारण मिला कम काम। क्रॉप टॉप और गोल्डन स्कर्ट में नागिन मौनी राय का दिखा खूबसूरत अंदाज, बिखेरे हुस्न के जलवे। जयदीप अहलावत जिस्सान अयूब स्टारर सीरीज ब्लडी ब्रदर्स का ट्रेलर रिलीज, ब्रिटिश शो गिल्ड का है रीमेक। सलमान खान स्टारर कभी ईद कभी दिवाली 30 दिसंबर को होगी रिलीज। एंड टीवी के शो भाभी जी घर पर है ने पूरे किए 7 साल, टीम ने सफलता का मनाया जश्न। श्वेता अग्रवाल ने दिया बेटी को जन्म, आदित्य नारायण के घर आई नन्ही परी, बोले मुझे उम्मीद थी कि बेबी गर्ल ही आएगी। बॉलीवुड के बादशाह साल 2023 में रिलीज होने वाली फिल्म पठान से कर रहे हैं कमबैक, फिल्म शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहिम लीड रोल में आएंगे नजर। दीपिका पादुकोण ने लिया हेयर कट, फैंस को भी भाया एक्ट्रेस का नया लुक। सौ बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया के और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।